सदर थाना क्षेत्र के करीहो में मूर्ति विसर्जन के दौरान देर शाम 9वीं की छात्र पोखर में डूब गया, जिसकी स्थानीय लोगों रात को तलाश की लेकिन उसका सुराग नहीं मिल पाया। इधर सवेरे एनडीआरएफ की टीम स्थल पहुंच गई और पोखरे पर डूबे 9वीं के छात्र सुजल कुमार की तलाश शुरू कर दिया। परिजनों ने बताया कि 9वीं का छात्र सुजल कुमार देर शाम मूर्ति विसर्जन के लिए बड़ी पोखर गया था। सारे बच्चे अपने अपने घर लौट गए लेकिन सुजल घर नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। पोखर के किनारे सुजल का चप्पल मिला है, जिसके बाद परिजन ने सुजल के पोखर में डूबने की आशंका व्यक्त की है, जिसके बाद पोखर में डूबे किशोर 9वीं के छात्र सुजल की तलाश जारी है। अब तक सुजल नहीं मिला है। घटना की जानकारी के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि लापता 9वीं का छात्र सुजल कुमार दिलीप दास का पुत्र है, जो करोही वार्ड नंबर 4 का निवासी है। बच्चा अले मूर्ति लाख से करे ला चार दिन सोतर है सजल के बजल के मास्टर का 500 का टका सबसे बेरी कल के बाबू आइले गेले बाबू सोतर से खींच रहे ला दल के आ चार बजे बाबू चार बजे यता अले कि कत गेले यता अले मूर्ति बसवे ला अंगना घूर के बाबू नहीं गेले बाबू अंगना नहीं गेले कत मूर्ति बसवे गेले पोखर पर तका बाद नहीं आयल छे अंगना चामर पर खाना खा के 2 बजे निकल घर से कल के मूर्ति भसवे ले जेते मांगे चल हम जाए आबे तुरंत ही हम कले रे बाबू सवेरे चल आ रही है बड़का बेटा हमर मूर्ति भसा के तुरंत गले हन ट्यूशन छोट रहे ई मझला बेटा छोट रहे कते में पढ़े रहे नमा में पढ़े छे अबरी 10वां में जेते मूर्ति भसवे ले हां तका बात से नहीं छे नहीं तका से नहीं ले ता कैमरा में देख लीजिए कोई देख लके कना पता चल तो त चप्पल उठा के ले खोज खोज के लिए न सौसे कलिया अभी तक बच्चा सब कहां ले सब मूर्ति भसा के ले हमर बाबू कहां है। हां सरस्वती पूजा दौरान मूर्ति विसर्जन में ये लड़का सुजल कुमार नाम है, पिता का नाम दिलीप दास है, जो आया था लेकिन विसर्जन के दौरान वह पानी में पता चला है कि स्नान करने के लिए गया, लेकिन सभी लोग यहाँ से चले गए, कैमरा में भी चेक किया गया है तो आया है ये तो क्लियर है, लेकिन गया है तो कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका चप्पल मिला तो इससे शक जाहिर हुआ है कि अब पोखर में ही है, अभी तक घर नहीं पहुँचा है, इसीलिए प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ इसका खोज किया जा रहा है कि मिल जाए और शक है कि इसी में होगा। हमको सर 11 बजे रात में आरओ साहब के द्वारा कॉल आया, हम सब आपदा मित्र टीम के सदस्य हैं, जिसके द्वारा हम लोग को सूचना मिलने के बाद 11 बजे रात में हम लोग इस जगह पहुँचे और सुबह में ह्यूमन चेन के द्वारा हम लोग रेस्क्यू किए और उसके बाद हम लोग को पता चला तो इस जगह बांस जरूर था तो बोट चलाने का सुविधा नहीं था तो फिर बांस को साफ कराया गया और NDRF टीम अभी पहुँचा है, जिसके साथ आपदा मित्र टीम भी उसके साथ काम सहयोग का कर रही है। कौन सा जगह है ये? करियो पंचायत हुआ। क्या नाम आपका? मेरा नाम MD खालिद हुआ। आपदा से हैं जी? आपदा मित्र से। अभी तक मिला नहीं है? अभी तक बॉडी नहीं मिला है। रात से ही था? रात से ही आपदा मित्र की इस जगह भगवान चौधरी है, जिसका नज़दीक में घर है, जिसके जिसको हम कॉल किए थे रात में वो भी पहुंचा था और जय किसने आपदा मित्र पहुँचा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स और कुछ खोजने का भी काम किया गया था मौके।